गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। और गाइज आज हम आपके लिए एक और जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है या जो भी आपका एमसीक्यू सेशन का जो हमारा क्लास चल रही है उसका हम एक और क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री प्लस उसमें हम लोग कुछ आज 75 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर टॉपिक इंडियन हिस्ट्री फॉर जेके पीएसआई दैट इज पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम आपका आने वाले समय में कंडक्ट किया जा रहा है उसके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो गाइस जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाएं एंड सेशन को लाइक कर दें एंड सर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो यहां पर जो है पूछते चले हमसे, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर जाएं। डियर एग्जाम का प्लीज टेल मी एग्जाम के बारे में बता दिया जाए हीना रानी को। तो चले गाइस जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, कमेंट्स करना स्टार्ट कर दें एंड जल्द ही हम लोग आपकी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहने वाली है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। 1000 एमसीक्यूज हम लोग कवर अप करने को आ रहे हैं। आई होप सो कि आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास हो। कल से हम लोग कोशिश करें आपके लिए पॉलिटी के एमसीक्यू सेशन को लेकर आए और पॉलिटी के एमसीक्यू सेशन को करने के बाद रिमेनिंग जो पार्ट आपका रहेगा हम कोशिश करेंगे हम उसमें फिर से आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाएंगे। बट अभी तक जितना मटेरियल आपको मिल चुका है इट इज मोर देन इनफ गाइज आपके टेस्ट सीरीज को लेकर। एंड साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि गाइज हमारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ऐप के ऊपर जहां आपको किस तरीके से एग्जाम के लिए रेडी होना है, एग्जाम में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आप किस एग्जाम मतलब एग्जाम में जब आप जाते हो कौन सा पोर्शन में आप स्ट्रक कर जाते हो उस पोर्शन को कैसे आपने अपने तरीके से जो है हैंडल करना है, इस सबको मद्देनजर रखते हुए पॉइंट आउट करते हुए ये मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। सो इसको जाकर आप ऐप से डाउनलोड करें, देखें कि आपका स्कोर जो है इस टेस्ट सीरीज में क्या रहता है। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि जेके पीएसआई के ऑनलाइन अभी भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर इसको बाय भी कर सकते हो गाइस। ठीक है तो चले गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन और आज के सेशन के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं फटाफट गाइस उसका आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये किसके द्वारा बनाया गया था। योर ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गाइस जवाहरलाल नेहरू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है, हमने इसको पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, सो इट वॉज गाइज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में INC से इंडियन नेशनल कांग्रेस से खुद को साइड करके एक नया एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। सो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके लिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसलिए सेशन को लाइक कीजिए तो ताकि आपको अपकमिंग सेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दीजिए, स्वामी विवेकानंदा ने एस्टेब्लिश करा था रामकृष्ण मिशन को कौन से साल में, कौन से साल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। योर ऑप्शंस आर 1876, 1899, 1897, 1882, what should be the right answer for this question? So guys, यहाँ पर right answer क्या रहने वाला है? Guys, ये answer है, guys, 1897, और कौन सी state के अंदर बनाया गया था, कौन सी place पर बनाया गया था, इस पर भी question पूछा जा चुका है। So guys, याद रखेगा बंगाल state के अंदर, ठीक है, बंगाल या आपको वहां पर कलकत्ता भी दिया जा सकता है या आपको जो है कोलकाता करके भी दिया जा सकता है, डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चले आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। चंपारण सत्याग्रह जो माना जाता है कि गांधी जी की तरफ से पहली मूवमेंट थी ब्रिटिश राज के खिलाफ, इसको कौन सी साल में स्टार्ट किया गया था, कौन से साल में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया के अंदर। तो आंसर आप क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन जो है वो है 1935, 1928, 1917, 1945। तो बिल्कुल गाइस राइट आंसर रहने वाला है यहां पर 1917। आपने इसके बारे में पहले ही हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस जो है हम लोग कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द संथाल रिवोल्ट टेक प्लेस, और ये कहां पर है गाइस, संथाल कहां पर है, इट इज झारखंड। आज अगर हम देखें तो झारखंड के अंदर एक ट्राइबल जो है अपराइजिंग हुई थी, ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी, ठीक है, अंग्रेजी खिलाफ के खिलाफ, क्योंकि वहां पर जो जो अंग्रेजों की तरफ से आप कह सकते हो पॉलिसी चलाई गई थी दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट।
उसके खिलाफ इसको चलाया गया था गाइस। और कौन से साल में ऐसा हुआ था, तो 1848 टू 49, 1874 टू 75, 25 टू 26, 55 टू 56। सो राइट आंसर रहने वाला है यहां पर ऑप्शन फोर, 1855 टू 1856 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश, ऐसे ही आंसर करते रहे, नई चीजें आती हैं तो उनको याद रखें, पुरानी चीजें अगर आ रही हैं तो उनको जो है आपके लिए फायदा ही रहने वाला है यहां पर। तो चले आगे बढ़ रहे हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने पहली बार ये कब कहा था कि हमें जो है क्या चाहिए गाइज, हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए 1939 में, 1919 में, 1928 में या 1934 में। तो गाइज ये इसका राइट आंसर क्या होगा, और इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी ऑफ, कौन से शहर में रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो है स्थाप मतलब उसको एंड किया गया था। तो देखिए यहां पर रहने वाला है इसका आंसर 1934, एम एन रॉय इज द राइट आंसर फॉर। अभी ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो एम एन रॉय जो है उनके द्वारा ये डिमांड की करी गई थी। तो 1934 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे अगर हम बात करें तो ये गाइस कहां पर खत्म होता है, ये होता है ग्वालियर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एंड यहां पर पूछा गया, अगर आपको पूछा जाए स्टार्ट कहां से हुआ था, तो स्टार्ट का आप कैसे बोलोगे, स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से, ठीक है, स्टार्ट होता है मेरठ में, एंड हो रहा है ग्वालियर में। पूरे नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट देखा गया था, और इसके बाद 1858 का एक्ट पास किया गया था जिसके अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड करके हमको ब्रिटिश राज के अंदर जो है वो दिया गया था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, इन विच स्टेट विल फाइंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट द लास्ट अमंग द प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज विद द स्टेट। आपको बताएं जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक यूनियन बनाने की प्रक्रिया जो है यहां पर शुरू हुई थी, जिसको आप कहते हो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट, आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा इसके बारे में। सो ये कह रहा है कि मयूरभंज जो है इसको जोड़कर किस डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट किस में डाला गया था, योर ऑप्शंस आर देयर केरला, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसको जोड़ा कब गया था, तो ये जोड़ा था गाइस January 1, 1949 के अंदर, ठीक है, और इसको जोड़ दिया गया था ओडिशा स्टेट के साथ, ठीक है। सो ओडिशा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस तरीके से पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए गोवा स्टेट कब बनी, सिक्किम स्टेट कब बनी है, नागालैंड स्टेट कब बनी है। मैं कोशिश करूंगा जब हम इंडियन पॉलिटी पर करेंगे ना क्वेश्चन, तो उनमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में बढ़ाई जाएंगी हर एक स्टेट के बारे में, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बूस्ट अप रहे। आगे बढ़ते हैं अगले एक क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was one of the founder of Hindustan Republican Association? इन चार options को ध्यान से देखिए और इनमें से बताइए कि Hindustan Republican Association के साथ कौन सा personality जो है वो आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राम प्रसाद बिस्मिल इसके अंडर थे, लाला लाजपत राय थे, सूर्य सेन थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे गाइज। तो देखिए गाइज यहां पर आपको याद होना चाहिए कि एच आर ए के बारे में अगर बताया जाए तो इसको जो है यहां पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम यहां पर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे आनंद मोहन है ना, और भी लोग हैं, लेकिन लाला लाजपत राय सूर्य सेन का नाम यहां पर आचार्य के साथ जो है वो नहीं जोड़ा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है यहां पर इस चीज को बनाया गया था। सूर्य सेन नहीं है दोस्तों, तो जो सूर्य सेन को लिख रहे हैं उनको बता दिया जाए कि सूर्य सेन यहां पर नहीं थे। सूर्य सेन जो है ये ऑर्मरी केस में थे, किसी ऑर्मरी के चिट्टागोंग ऑर्मरी केस के साथ इनका लिंक था, ठीक है। चिट्टागोंग ऑर्मरी केस अगर आपने सुना होगा उसमें सूर्य सेन का नाम आता है। चले क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानाम सरस्वती इज इनकरेक्ट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्वामी दयानाम सरस्वती को लेकर गलत लिखा गया है। पहला है कि इनका बर्थ प्लेस गुजरात के अंदर है। ही इज ऑथर द बुक सत्यरथ प्रकाश, याद रखिएगा सत्यरथ प्रकाश सही में जो है ये लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कभी कभी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर भी क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, बिल्कुल आर्य समाज इन्होंने फाउंड किया था, बट ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। सो ऑप्शन फोर यहां पर निकलेगा, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीजें आपने पढ़ी है। साथ ही साथ आपको जो भी बच्चे यहां पर सेशन में जुड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर आप चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी के और इंडियन इकोनॉमी के सीरीज आप लोगों तक रेगुलर बेसिस पर रहे,
सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपको वीडियो इजिली मिल जाए। ऐसा ना हो कि वीडियो मैंने आज अपलोड करी हो और आप आज हम लाइव है और आपको चार दिन के बाद वीडियो मिलता है, ये फिर आपकी प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आपने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन हेल्ड इन लंडन। आपने बताया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर एक और क्वेश्चन कि इट इज द ओनली कॉन्फ्रेंस विच वॉज अटेंडेड बाई गांधी जी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, बट पर आपको 11 देना है। आपने बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ मतलब फॉरेन इंडिया, मतलब हमारे ऐसे कौन से यहां पर ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने के इंडिया का फ्लैग जो है वो फॉरेन लैंड पर जाकर पहली बार जो है वो लहराया था। तो आपको याद होगा एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर गाइस, स्टॉटगार्ट में जर्मनी के अंदर, ठीक है, और वहां पर मैडम भिकाजी कामा के द्वारा पहली बार हमारा जो झंडा है उसको लहराया गया था। इट वाज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉटगार्ट जर्मनी के अंदर एंड भिकाजी कामा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल राइट आंसर, यहां पर जो बच्चे भिकाजी कामा को सिलेक्ट कर रहे हैं। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडियन, हाँ, इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर भी कहा जाता है। चले गाइज आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947 में जब इंडिया को बनाया जा रहा था, जब इंडिया को एक यूनियन में कन्वर्ट किया जा रहा था, उस टाइम पर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, दीज आर द थ्री पार्ट जिन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया था कि वो इस यूनियन का पार्ट नहीं बनेंगे बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। अब उस टाइम पर इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस टाइम पर निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे। सर आज एनिशियंट हिस्ट्री है या नहीं है, सबर पेशेंस रखो थोड़ा। तो यहां पर देखिए मीर महबूब अली खान, उस्मान अली या गाइज अकबर अली खान, नसिर जंग। तो गाइज राइट आंसर क्या रहने वाला है, इट वाज उस्मान अली इज द राइट आंसर, अली है ये, ठीक है, ALI, अली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए, फटाफट इसका भी आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। इंडियन एसोसिएशन कब बनाया गया था और इसको बनाने के पीछे का जो नाम है वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और दोस्तों दूसरा नाम है आनंद बोस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद बोस के द्वारा बनाई गई थी इंडियन एसोसिएशन, और इसको फाउंड किया गया था कौन से साल में, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो गाइज राइट ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, गाइज 1876 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पर जो है इसका राइट आंसर यही रहने वाला है। गाइज फटाफट सेशन को लाइक कर दें और आगे बढ़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। कौन से साल में जापान ने जो है इंडिया को इन्वेड किया और इम्फाल में आकर एक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि गाइस सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऐसा चल रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन है 44, 1862, 1901, 1894। सो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का। सो गाइस ये राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो मैंने आपको बोला कि ऐसा हुआ है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर। अब वर्ल्ड वॉर टू कब से शुरू हुई थी, 1913 से लेकर 1945 तक, याद रखिएगा। WW2 एंड WW1 कब हुई, वर्ल्ड वॉर वन कब हुई है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, दो क्वेश्चन फटाफट कर दे। अलावर्दी खान के बारे में आपने सुना होगा, ये कहां के नवाब थे, और सी राजा गोपालाचार्य ने एक सॉल्ट सत्याग्रह किया था जब गांधी जी ने भी सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया था इंडिया में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सी राजा गोपालाचार्य ने अपना जो मूवमेंट सॉल्ट सत्याग्रह था ये कहां पर शुरू किया था। ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। अलावर्दी खान कहां के नवाब थे, तो गाइस हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, बंगाल के। इनके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जफर, मीर कासिम वगैरह 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 चलते रहते थे यहां पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, और सी राजा गोपालाचार्य ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। तमिलनाडु जो बच्चे यहां पर लिख रहे हैं
वो बिल्कुल सही जवाब मार्क कर रहे हैं, तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपने बताना है द मेथड्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो क्या है दोस्तों, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, एक रेवोल्यूशन है क्या, ये एक जर्नल स्ट्राइक है क्या, ये एक जो है स्टैबोज है, या गाइस ये एक जो चौथा आपका आ रहा है दैट इज गाइस ये क्या, एक पर्सुएशन एंड प्रोपेगेंडा है। और आपने बताना है कि इन अफगानिस्तान दो टू टावरिंग बुद्धा स्टैच्यू वर डिस्ट्रॉयड इन एट 2001 में, इनको डिस्ट्रॉय किया गया है तालिबान के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय किया था 2001 में, ये कहां पर है। पहले इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो आंसर रहने वाला है ये एक पर्सुएशन होती है एंड प्रोपेगेंडा है, ठीक है। मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, पर्सुएशन है और प्रोपेगेंडा है। और अफगानिस्तान में जो दो टावर थे बुद्धा के ये कहां पर थे, सो गाइज इट इज लोकेटेड इन वेयर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। 18 का आंसर है दैट इज बर्मियन प्रोविनेंस, बर्मियन प्रोविनेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल जो बच्चे यहां पर रॉन्ग आंसर कर रहे हैं करेक्ट कीजिएगा अपने आपको एंड सेशन को लाइक करते चले आगे बढ़े दोस्तों। अगले क्या क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें आइडेंटिफाई द यूनेस्को अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, सोमनाथ टेम्पल, सलारजंग म्यूजियम, खुजराओ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, चार बाग रेलवे स्टेशन, बता दें गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें, बिल्कुल इनमें से सिर्फ जो खुजराओ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है यही हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके अलावा सोमनाथ टेम्पल भी नहीं है, सलारजंग म्यूजियम भी नहीं है, चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, वो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रोपाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन है महात्मा गांधी, लॉर्ड बुद्धा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आइडिया था जिसने कि दुनिया को एक लाइट दिखाई थी एक टाइम पर, बहुत मतलब जब दुनिया डिवाइड हो रही थी आजादी के बाद, तो ये पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था शांति की तरफ जाने के लिए। तो इट वॉज साइन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विद अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ यू नो वर्ल्ड के बहुत सारे, जिसमें इंडोनेशिया था, घाना था, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे बढ़िए, हु डिस्कवर सी रूट फ्रॉम इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप। किसके द्वारा एक सी रूट खोजा गया था भारत आने के लिए जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप के थ्रू आए थे। इज दिस वास्को डी गामा, ठीक है अमुंड सैन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जॉन कॉबर थे। बिल्कुल गाइस सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतना टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाया है आज कि आप इनको करो ना। बिल्कुल वास्को डी गामा इज द राइट आंसर दोस्तों। और ये कब हुआ था, 1498 को हुआ, कहां पर आए थे, ये कैलिकट में आए थे याद रखिएगा, और रंग रूलर थे उस टाइम पर वहां पर जमोरिंजी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तमिश। जब इल्तमिश का रूल दिल्ली मतलब इंडिया में था उस टाइम पर हमारी कैपिटल कहां हुआ करती थी मुगल इल्तमिश के टाइम पर, आगरा, लाहौर, बदोन या दिल्ली गाइस। सो क्या आंसर रहने वाला है, हाँ कोलंबस ने डिस्कवर किया है अमेरिका को, बिल्कुल ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट। विजयनगर आर्ट की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, और आपने बताना है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर के फाउंडर इंडिया के अंदर कौन थे, यस तो बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट, आर्ट जो है तो आपने यहां पर आंसर करना है, ठीक है। आपने हजारा टेम्पल्स का नाम जरूर सुना होगा, हजारा टेम्पल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये बनाए गए थे दोस्तों किसके द्वारा, हजारा टेम्पल बनाया गया है कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है कृष्णदेव राय के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये हैं गाइस हमारे कहां पर, हम्पी के अंदर, ठीक है हम्पी के अंदर।
तो यहां पर अगर आप जाओगे इन टेम्पल्स को देखो तो आपको बेस्ट आर्ट फॉर्म दिखेगी विजयनगर आर्ट की। सो यहां पर राइट आंसर है हम्पी। और यहां पर कौन है गाइस? बाबुर। बाबुर ने लड़ी थी लोदी के साथ एक वॉर जो हुई थी 1526 में, जिसको आप कहते हो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लोदी को हराया गया और मुगल जो है यहां पर जीते थे। कहा जाता है कि मुगल ने यह लड़ाई जीती थी अपने वॉर इक्विपमेंट्स के अंदर, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बारूद का यूज किया था। ठीक है, बारूद का यूज किया था इसने अपनी वॉर में। चले आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन आपके सामने, बता दे। क्वेश्चन नंबर 25-26, वेयर वॉज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्नड पर्शियन। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो पर्शियन भाषा को सीखा गया था, यह कहां पर सीखा गया था? लाहौर, अमृतसर, पटना या आनंदपुर साहिब के अंदर? बता दे गाइज राइट आंसर क्या रहने वाला है। चले शाबाश आंसर करें। तो गाइज यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? ये इन्होंने सीखा है आनंदपुर साहब के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आनंदपुर। एंड बता दें द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम। किस नाम से महाभारत को जो कन्वर्ट किया गया था पर्शियन भाषा में, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? चार ऑप्शंस आपके सामने, तो याद रखिएगा, नाम रखा गया था राजानामा, बुक ऑफ वॉर। और देखिए अब ये पता होना चाहिए आपको, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रामायण को किसने कन्वर्ट किया था, और यहां पर पूछा जाता है कि बताइए इसको किसने कन्वर्ट किया था, तो बदूनी का नाम याद रखिएगा। बदूनी के द्वारा रामायण को, सॉरी महाभारत को जो है कन्वर्ट किया गया था। एंड उसके बाद फेजी का नाम आता है, फेजी ने रामायण को कन्वर्ट किया था। और ये दोनों जो है ये किसके कोर्ट में थे? अकबर के कोर्ट में थे, याद रखिएगा, अकबर के कोर्ट में थे ये। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर के कोर्ट में, ये दोनों अकबर के कोर्ट में थे। ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि बताइए ये जो स्कॉलर थे किसके कोर्ट का पार्ट थे, तो ये दोनों अकबर के कोर्ट का पार्ट थे। ठीक है, चले आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए गाइस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, मंगोल्स अंडर चंगेज खान। मंगोल जो है ये चंगेज खान के अंडर इन्वेड इंडिया अंडर हूज रीन, इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। उस टाइम पर इंडिया में किसका रूल चल रहा था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तमश, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? बता दें गाइस राइट आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको बता दिया जाए, उस टाइम पर इंडिया में चल रहा था रूल इल्तमश का। ठीक है, सो इल्तमश का रूल यहां पर चल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर 27 का आंसर यहां पर रहने वाला है इल्तमश, बाकी आप लोग देखिएगा। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वॉज मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। इनमें से अब मोस्टली हमारे पास चार ऑर्डर आ जाते हैं सूफीज्म के, और इनमें से आपने बताना सबसे ऑर्थोडॉक्स कौन सा है। ऑर्थोडॉक्स होता है बहुत ज्यादा पुराना, काइंड ऑफ सोच वाइज, चिश्ती, कादरी, सरवारी कादरी या नक्शबंदी। तो गाइज यहां पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो 28 का आंसर होगा नक्शबंदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश, चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 and 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आपने बताना है दिल्ली से आगरा अपनी कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, और कौन से साल में तैमूर लंग ने इंडिया पर इन्वेड किया था, कौन से साल में? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसके, कौन से साल में जो है यहां पर ये सब हुआ था। राइट आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का? तो देखिए ये किसने किया था? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐकब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है गाइस? तो ये किया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगेन, फिर आगरा गई, वहां से शाहजहां ने फिर से वापस किया था। ठीक है, तो ये पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिकंदर लोदी ने इसको 1506 ईस्वी में किया था कन्वर्ट। ठीक है, दिल्ली से आगरा। ठीक है, शाबाश। और कौन से साल में तैमूर लांगे इंडिया आए थे? साल है 1210, 1492, 1398, 1526। तो आंसर क्या रहने वाला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 का? तो इसका है यहां पर 1398 इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस टाइम पर कौन थे रूलर थे? मोहम्मद शाह तुगलक इसके बाद आए थे, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदेवार। चंदावार की जो वॉर हुई थी इसके अंदर किसको हराया गया था मोहम्मद गोरी ने, एक्चुअली में मार ही दिया था इस वॉर के बाद, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमा सेकंड, कुमारपाला। क्या आंसर रहने वाला है गाइज यहां पर? तो गाइज यहां पर राइट आंसर रहने वाला है जयचंद। जयचंद को जो है इस वॉर में हराया गया था और हराने के बाद इनको मौत की घाट जो है वो उतारा गया था इस वॉर में। चले आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रीन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक कम टू इंडिया। आपने बताना कि ये किसके टेन्योर में आए थे, अब्दुल रजाक, ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आए थे, ठीक है, देवर आए फर्स्ट, विजय राय फर्स्ट, देवर राय सेकंड, कृष्णा राय सेकंड। क्या आंसर रहने वाला है यहां पर? तो गाइज ये किस में आए थे, ये आए थे देवर राय सेकंड के शासनकाल में, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के अंदर। चले शाबाश, मोस्टली बच्चे राइट आंसर मार्क कर रहे हैं, सेशन को लाइक करते चलिए और आगे बढ़ते चले। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33, 34। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वॉज किल्ड इन अ कंफ्लिक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बहादुर शाह को किसके, कब मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया, जब वो एक बेसिकली वो एक डील के लिए गए हुए थे शिप के ऊपर और वहां पर इनका कत्ल जो है वो कर दिया गया था धोखे के साथ। ऑप्शन है डच, इंग्लिश, पोर्तुगीज या फ्रेंच। राइट आंसर इज पोर्तुगीज के द्वारा इनको मारा गया था 1536 ईस्वी में। आगे बढ़ो, व्हाट वाज द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में हम इंडिया को अगर देखें तो ये कह रहा कि यहां पर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये कहां तक इनका रूल होता था, इस पोर्शन का नाम बता दीजिए। क्या ये पंजाब तक था, हिंद कुश माउंटेन तक था, काबुल तक था या सिंध तक था? सो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है 34 का, दैट इज हिंद कुश तक जो है ये थे, ठीक है, हिंद कुश इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। हिंद कुश याद रखेगा, अब मैप पर जरूर देखना कि हिंद कुश कहां पर है, ठीक है, मैप पर जरूर देखना, दिख जाएगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 पर, आपने बताना है 35 का आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। इनमें से किस डायनेस्टी के द्वारा, डायनेस्टी के द्वारा दिल्ली के ऊपर जो है वो रूल नहीं करा गया है? क्या स्लेव ट्रेड, ये तो स्लेव डायनेस्टी जो है भाई साहब, ये तो पहली डायनेस्टी थी, सैयद, खिलजी या गोरी डायनेस्टी? सो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है गोरी डायनेस्टी। गोरी डायनेस्टी ने दिल्ली के ऊपर रूल एस्टेब्लिश नहीं करा था, बल्कि इन्होंने स्लेव ट्रेड जो है यहां पर एस्टेब्लिश कर दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐकब जिनका नाम आ जाता है, जिनको स्लेव ट्रेड कहा, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। 36 पर आ जाते, 36 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज जिंदा पीर बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट पर्सनैलिटी, दिस पर्सन इज नोन बाय द नेम ऑफ जिंदा पीर। ऑप्शन इज अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है औरंगजेब। सो औरंगजेब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश, चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विजयनगरा रूल कृष्णदेवरायज वर्क अमूल जो है अमुक्ता तमिलियादा, ठीक है, ये एक बुक लिखी गई है, याद रखिएगा इस बुक का नाम क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमुक्ता तमिलियादा, ये बुक लिखी गई है कृष्णदेवराय के द्वारा और इन्होंने बताना है किसको, किस भाषा में लिखा गया है, तामिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। सो गाइज यहां पर राइट आंसर याद रखेगा, इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ तेलुगु, ठीक है, इसको तेलुगु भाषा में जो है वो लिखा गया है, तेलुगु भाषा में। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना इन विच ऑफ द सेंचुरी कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट। कुतुब जो मीनार है इसको कब बनाया गया था, कौन सी सेंचुरी में? तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द पंच महल एट फतेहपुर सिकरी। पंच महल की बात करें तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो यहां पर रखे बात, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 12th सेंचुरी में, यहां पर 12th सेंचुरी इसका ये बारे में याद रखेगा, एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर ऑफ 1368, ठीक है, 1368 में इसको बनाया गया, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐकब ने रखी थी। उसके बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश ने इसके थ्री स्टोरीज को बनाया, ठीक है, स्टोरीज को बनाया, थ्री स्टोरीज को इल्तुतमिश ने बनाया। और गाइज अगर हम बात करें 1386 में फिरोज शाह तुगलक का नाम यहां पर आ जाता है, देन फिरोज शाह तुगलक
का नाम यहां पर आ जाता है जिन्होंने इसको कंप्लीट किया, पूरा ऊपर वाली जो स्टोरीज थी फिर इसकी वो कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसके टेन्योर में इसको शुरू किया गया, किसके, अबे अकबर कौन लिख रहा है। और यहां पर बताया हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर द पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ऑप्शन इज अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? सो गाइस बिल्कुल अकबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। चले अकबर द ग्रेट, आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर भी दीजिए, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, चौसा बैटल के बारे में, आपने बताना है किसने हुमायूं को हराया था, मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या शेर शाह सूरी। गाइज तो बता दें इसका राइट आंसर, ये वॉर हुई है 1539 के अंदर, कल भी इसको हमने डिस्कस किया था, आई मीन परसों की वीडियो में, और इसको हराया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेर शाह सूरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले शाबाश, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, 42, सिराजुद्दौला रिनेम्ड विच सिटी एज अलीनगर, किस सिटी का नाम अलीनगर रख दिया गया था, कैलकाटा, आगरा, फिरोजशाहपुर, फिरोजपुर या गाइस फतेहपुर, फतेहपुर का नाम बदलकर रखा गया। तो कल भी हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। और आपने बताना हु इज नोन बाय द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है, सोचो मत, टीपू सुल्तान का नाम आंखें बंद करके चुन सकते हो आप लोग, और यहां पर गाइज रहने वाला है कैलकाटा, कैलकाटा का नाम यहां पर बदलकर रखा गया था अलीनगर, याद होगा कल भी हमने इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करा था। ठीक है, तो भूलिएगा मत, इन चीजों को भूलिए मत, याद रखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, 44, इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेड इंडिया, बाबर ने इंडिया को कब इन्वेड किया, मतलब पहली बैटल ऑफ पानीपत पर ही किया होगा, तो बता दे पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1530, 26, 20 या 50 में गाइस, और बताइए रेड फोर्ट क्यों, किसके अंडर जो है वो बनाया गया था। सो दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 1526, लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत की पहले लड़ाई लड़ी गई थी। और देखिए अगर आपको रेड फोर्ट में पूछा जा रहा है किस रूलर के अंदर जो है इसको बनाया गया, तो आप शाहजहां का नाम यहां पर ले सकते हो। आप बोलोगे कि सर शाहजहां का जब रूल था तब जो है इसको बनाया गया था, बट अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें आपने याद किसका नाम रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम जो है इसमें आता है। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखे। तो क्या पूछ रहा है ये देखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया है और किसके रूलर के अंडर बनाया गया है, तो शाहजहां इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, 46, रजिया सुल्तान जो एक इकलौती वुमन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये किसकी बेटी थी ये पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐकब, शमसुद्दीन इल्तमश, ग्यासुद्दीन बलबल, जलालुद्दीन खिलजी। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हुज डिसेंडेंट वर द मुगल्स फ्रॉम हिज मदर साइड, मदर साइड से अगर हम देखें तो मुगल जो है वो किसके जो है वो डिसेंडेंट थे, क्या वो तैमूर के थे, चंगेज खान के थे, शेर शाह सूरी के थे, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा गाइस क्वेश्चन नंबर 45 का, तो शमसुद्दीन इल्तमश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल शमसुद्दीन इल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो एक इकलौती वोमेन रूलर रही है दिल्ली सल्तनत की, और ये किसकी साइड से थे, मुगल्स, अपनी मदर साइड से, तो दे बिलोंग टू चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शाबाश। चलो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 48, आपने बताना है हु वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के फादर का नाम बता दीजिए, और विच रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर वॉज द फ्रेंड ऑफ पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुक्विर्की, अल्बुक्विर्की के जो बेस्ट फ्रेंड कौन थे विजयनगर एम्पायर से, ऑप्शन है दयाराम सॉरी देवराय सेकंड, नारसिंह राय, कृष्ण देव राय, वेंकटा सेकंड। फटाफट आंसर करें यहां पर क्या आंसर होगा, तो गाइज देखिए इसका आंसर बनेगा, पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, तो हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, बिल्कुल आपने पढ़ा है इसके बारे में, हैदर अली यहां पर है। एंड दोस्तों 48 का आंसर होगा वेंकटा सेकंड। ठीक है, वेंकटा सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। चलें गाइज आज का हिस्ट्री का लास्ट सेशन होगा, आई होप सो, एंड कल से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ बाकी क्या कंपोनेंट दिया जाएगा बता दिया जाएगा आपको,
आपको नोटिफिकेशन पर पता चल जाएगा, बट नोटिफिकेशन अगर रिसीव नहीं हो रही है तो उसके लिए आई पर्सनली अपोलॉजी करूंगा मैं उस चीज के लिए। बट आप लोगों को कोशिश यही करना कि सेशन को ना लाइक करके चले जाओ, सो दैट कल जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आपने किस इंसान से ज्यादा पढ़ लिया है या कितना उससे लीड में हो, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर करो, हु वाज द गुरु नानक देव ओरिजिनेटर ऑफ सिख रिलीजन बॉट। इनमें से आपने बताना है कि गुरु नानक जी का जन्म जो है ये कहां पर हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी या पटना। गाइस तो यहां पर याद रखेगा तलवंडी है और ये पंजाब में है, और ये पंजाब आज कहां है, ये पंजाब है पाकिस्तान के पास, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब के अंदर है, ठीक है। चले दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है बता दिया जाएगा आपको। विच वॉर डिड द बाबर होल्ड द टाइटल ऑफ गजनी। गजनी का टाइटल इनमें से किस वॉर में बाबर को दिया गया है। बैटल ऑफ काबुल, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा। गाइस किस बैटल के बाद इनको टाइटल मिला था, गाजी। याद रखेगा गजनी नहीं है, इस गाजी गाइस। तो याद रखेगा अगर आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि गजनी का टाइटल किसके साथ था, सॉरी गजनी का नहीं गाजी का, तो गाजी का टाइटल किसके साथ जुड़ दिया जाता है, ये जाता है बाबर के साथ। और ऐसा कब हुआ है, कौन सी वॉर में ऐसा किया गया, तो गाइस इट वॉज द बैटल ऑफ खानवा जिसको लड़ा गया था 1527 में, ठीक है 1527 में यहां पर लड़ा गया था। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 51-52। बताइए कि सिखिज्म वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। कौन से सेंचुरी में सिखिज्म लाया गया था, 13-14 सेंचुरी में, 11-12 सेंचुरी में, 15-16 सेंचुरी में, 12th-13 सेंचुरी में, और फर्स्ट टाइम इन गुजरात हु इंप्लीमेंटेड द जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो है ये किसके ऊपर जो है वो लगाया गया था। और गाइज जिस रूलर ने इसको लगाया था उसने इतने हाई टैक्सेस यहां पर रख दिए थे नॉन मुस्लिम्स के लिए ऊपर के लोगों के लिए एक ही ऑप्शन बचता था कि वो कन्वर्ट ही हो जाए इस्लाम के अंदर, अदरवाइज दे हैव नो अदर ऑप्शन, वो इतना टैक्स दे ही नहीं पाते थे। तो ये किसके द्वारा किया गया है, पानी पिलाकर, खाना खिलाकर, चंदेरी चले, घाघरा पहनकर। चले वरिंदर सिंह वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कर दीजिए। सो इट वॉज 15th and 16th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया भाई किसके द्वारा, तो गुरु नानक जो है इसके फाउंडर है सिखिज्म के। और ये किसने किया था, अहमद शाह फर्स्ट, महमूद बगेदा, मुजफ्फर शाह फर्स्ट, मुजफ्फर शाह सेकंड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, अहमद शाह। यस अहमद शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53-54। बता दें विच रूलर ऑफ विजयनगर अलाउड द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ चर्च इन हिज एम्पायर। किसके द्वारा ये कहा गया था कि ठीक है आप विजयनगर एम्पायर के अंदर पोर्तुगीज को अलो किया गया कि वो चर्च बना सकते हैं, वेंकटा फर्स्ट, अच्युत राय, त्रिमूल या कृष्ण देव राय। और 54 क्वेश्चन को बताना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डेंसिटीज इज नॉट रिलेटेड टू अग्निकुल। इनमें से कौन सा जो राजपूत डेंसिटी है उसको अग्निकुल के साथ नहीं जोड़ा जाता है, बता दें गाइज यहां पर क्या आंसर रहना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बता दिया जाए आपको। सो गाइज ये थे वेंकट जो है इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम क्या है, वेंकटापति राय, ठीक है वेंकटापति राय। हाँ हाँ जो आप ट्रिक्स शेयर कर रहे हो बाकी बच्चे भी पढ़ लेना है, ये देखिए कितना अच्छा ट्रिक बनाया इन्होंने। और राजपूत डेंसिटी जिनमें से अग्निकुल के साथ डिनेट नहीं करती है वो कौन सी है, ऑप्शंस है 54 के बता दीजिए। तो चंडाला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चंडाला जो है राजपूत अग्निकुल के साथ रिलेट नहीं करती है। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 55 आपने बताना है, फेमस सेंट चैतन्या ऑफ बंगाल जो थे वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके कंटेम्परेरी थे वो, अलाउद्दीन, हसन शाह के, आजम शाह के, सिकंदर शाह के, महमूद शाह के। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कर दें गाइज यहां पर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहां पर जो बच्चे मार्क करेंगे उनको मैं पहले बता दूं इसका आंसर है अलाउद्दीन हसन शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बंगाल में उस टाइम पर जो है अलाउद्दीन हसन शाह का रूल चल रहा था जब वहां के मशहूर सेठ थे चैतन्या, ठीक है। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 ड्यूरिंग द मराठा पीरियड, जब इंडिया में मराठा पीरियड चल रहा था, हु वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम पर मराठा गांव के जो हेड होते थे उसको क्या कहते थे, हवलदार, पतिल,
चौधरी या सरदेशमुख कहा जाता था उसको। क्या आंसर रहने वाला है यहां पर? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर यहां पर क्या रहेगा? दैट इज पाटिल। ठीक है, पाटिल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट इज 57। सेंट रामानंदा एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस? आपने बताना है सेंट रामचंद्रा जो है इनमें से किस ब्रांच के साथ डील करते थे? क्या वो राम मार्गी थे, ताकि वो राम के रास्ते पे लोगों को चलाते थे, या वो प्रेम जो है प्रेमाचार्य के जो है फॉलोअर थे, या वो गयाना शायरी के फाउंडर थे, या कर्मा शायरी के जो है वो शायरियाई के जो है वो फाउंडर थे? क्या थे मतलब फॉलोअर कह सकते हो आप लोग। सर पॉलिटी डीप पढ़ते या सिंपल लूसेंट पहले? कुछ भी पढ़ लो, एमसीक्यूज में आपको सब आना चाहिए, बस जो छूट जाएगा वो यहां से कर लेंगे। तो ऑप्शन यहां पर रहने वाला है ही वॉज अ राम मार्गी। ठीक है, तो कुछ लोग विष्णु के फॉलोअर थे, कुछ शिवा के फॉलोअर बने, कुछ अलग लेवल के थे, तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए। चले 58 पर आते हैं और 59 पर भी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल रूलर जजिया री इम्पोज? जजिया जो है इसको फिर से री इम्पोज किया गया था। अकबर ने इसको हटा दिया, फिर इसको दोबारा किसके अंडर दोबारा से इसको लागू किया गया। और आपने बताना है फेजी लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, फेजी जो है वो किसके कोर्ट के थे? बोला था ना आपको कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो यहां पर पूछा गया है कि फेजी किसके कोर्ट में रहते थे, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि फेजी बदूनी वगैरह ये जो लोग हैं ये अकबर के कोर्ट के थे। और आपने यहां पर बताना किसके रीन में जो जजिया है उसको री इम्पोज किया गया, मतलब दोबारा से लगाया गया था। इट वॉज औरंगजेब, अकबर ने इसको खत्म किया, औरंगजेब का रूल आया तो उसने इसको दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 60 और 61। ड्यूरिंग हुज रीन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? बता दे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तैमूर ने इंडिया को जो इन्वेड किया था, ठीक है, ये कब किया था इन्वेड? अभी हमने पढ़ा 1398 ईस्वी में। तो आपने यहां पर बताना कि उस टाइम कौन से रूलर थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, बहलोल लोदी थे, फिरोज शाह तुगलक थे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। गाइस क्या आंसर रहने वाला है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए, और साथ ही साथ आपने देना है यहां पर आंसर कि चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है ये कहां पर है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है ये कहां पर है गोल? ये है राजस्थान के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर यहां पर रहेगा, ये रहने वाला है नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है यहां पर है। ये कौन सी डायनेस्टी के थे? तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के थे, डायनेस्टी के द्वारा। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62-63। व्हेन डिड द मुगल टेक द फेस्टिवल ऑफ नवरोज? क्वेश्चन पूछा जाता था एक बार एग्जाम में, पूछा गया था कि नवरोज का फेस्टिवल किसका फेस्टिवल है, कौन सी मतलब इसको कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। तो चले वो भी बता दीजिए, यहां से आपको पता चलेगा। और इन विच लैंग्वेज डिड तुलसीदास द पोइट ऑफ मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइट रामचरितमानस? रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस किसके किसने लिखी है? तुलसीदास ने। यहां पर लिखा कि वो किस भाषा में लिखी गई है, तो यहां पर बता दिया जाए आपको कि 62 का आंसर यहां पर रहने वाला है कि ये पारसियों का त्यौहार है और इन्होंने उनसे ही जो है वो लिया गया है। सो पारसी इज द राइट आंसर। और गाइज यहां पर ये याद रखिएगा कि रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में, अवधी भाषा में वो लिखी गई है, याद रखिएगा अवधी भाषा का यूज यहां पर किया गया है रामचरितमानस को लिखने के लिए। शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। दैट इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ सरगाई घाट फॉट बिटवीन द अहम एम्पायर ऑफ असम एंड द मुगल्स? मुगल्स और अहम एम्पायर जो थे असम के, उनके बीच में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम है सराई घाट। तो ये कब लड़ी गई है, कौन से साल में? 1635, 1671, 1642, 1652। फटाफट गाइज आंसर करें। हाँ जी, आपके जो सेंटर्स होंगे आई विश के वो डिस्ट्रिक्ट में पढ़े, बट सीबीटी एग्जाम होने वाला है तो वहां पर प्रॉपर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करे। अगर वहां पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो जिनके पास प्रॉपर इंस्टॉलेशन है कंप्यूटर की, तो हो सकता है श्रीनगर में आपका सेंटर बने, अदरवाइज आपको कहीं जो भी वहां वो शिफ्ट करेंगे आपको जाना होगा। तो बता दें गाइस 64 का आंसर क्या रहने वाला है? 64 का आंसर रहने वाला है 1671 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए, आपने बताना है कि
डिड द दिल्ली सल्तनत डिफीटेड इन द बैटल ऑफ एम्बोरा। एम्बोरा की जो वॉर है जो हुई है कब गाइस, 1305 में। इसमें मुगल दिल्ली सल्तनत को किसके हाथों हारना पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल आर्मी या पोर्तुगीज आर्मी। और आपने दूसरा बताना है कि क्वीन जो नाइकी देवी है, ठीक है, नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वोमेन हु डिफीटेड इन 1878 सीई 1178 में किसने हरा किसको हराया था इसने, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर बता दे, तो यहां पर आपने याद रखना कि दिल्ली सल्तनत को डिफीट होना पड़ा था मंगोल आर्मी के द्वारा, ठीक है, मंगोलियन की आर्मी, चंगेज खान की जो आर्मी थी उस टाइम पर। और यहां पर जो क्वीन नाइकी देवी है, इन्होंने किसको हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक इज देयर, मोहम्मद अल बशीर इज देयर, अल साहिल मोहम्मद इज देयर एंड मोहम्मद गोरी इज देयर गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या रहेगा गाइस, 66 का आंसर रहेगा मोहम्मद गोरी को हराया था यहाँ पर, ठीक है, मोहम्मद गोरी को, यस। और ये जो नाइकी देवी है, ठीक है, इज द विडो ऑफ अजय पाला, अजय पाला की ये विडो थी, ठीक है, अजय पाला की विडो थी एंड शी बिलोंग्स टू चोलाक्या डायनेस्टी, ठीक है, चोलाक्या डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। बता दें द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हिमायू एंड शेर शाह सूरी ऑन 26 जून इन द ईयर, कौन से साल में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ये साल बताया, आपको बता दीजिए, 1539, 1440, 1729, 1613 में गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अभी आपको बताया गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी डेट भी लिखवाई थी, तो इट्स 1539। बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो गाइस, कल से पॉलिटी के एमसीक्यूज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, द डैश डायनेस्टी विच रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1219 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐकब। कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा यहां पर कौन सी डायनेस्टी को 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रूल किया गया दिल्ली सल्तनत के ऊपर। क्या उसको हम लोधी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, खिलजी या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं गाइस। क्या आंसर यहां पर जो है रहने वाला है, तो सोचिए मत, स्लेव डायनेस्टी, बिकॉज ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी एंड उन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया था यहां पर और खुद वापस चले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 के बाद बता दिए, 69 का आंसर, कल्हाना ने पेंड किया है द बुक नेम्ड इन द 12th सेंचुरी विच इज मटेरियल हिस्टोरिकल क्रोनोली ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, जो हमें किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है, उस बुक का क्या नाम है, फटाफट आंसर करो। क्या उसका नाम तहरीके फिरोजी शाही है, नुन सिपर है, राज तिरंगनी है, पद्मावत है गाइज। तो राइट आंसर यहां पर रखने वाला है, दैट इज राज तिरंगनी, ठीक है, सो राज तिरंगनी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन आपके लिए क्या हो रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, और यहां पर आंसर करें, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026, 1026 ईस्वी में किसके द्वारा जो है सोमनाथ टेम्पल को लूटा, अटैक किया गया और उसको लूटा गया, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद ऑफ गजनी, नादिर शाह, चंगेज खान, यहां पर बता दें। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो बता दें यहां पर राइट आंसर क्या है 70 का, और 71 है, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग घर घर घरा कठा जो है कठंगा इन 1564। तो यहां पर राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती, ठीक है, और यहां पर क्या आंसर होगा गाइस क्वेश्चन नंबर 70 का, तो 70 का है मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है 72, दैट इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, पूरे इंडिया को एक्सट्रीम साउथ तक लेकर, मतलब वहां पर रूल एस्टेब्लिश हुआ था इन रूलर का, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, यासुद्दीन बलबर, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहां पर, राइट आंसर यहां पर रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, सो अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73, 74, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम
डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया, पहली डायनेस्टी इंडिया के अंदर जो कौन सी डायनेस्टी, कौन सा ऐसा खानदान था इनमें से जिसने के यहां पर रूल किया था। योर ऑप्शन इज स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, और इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। वर्नाकुलर एक्ट पैक्स इसलिए किया गया था ताकि बढ़ती हुई जो सोच थी बंगाली, बंगाल में जिस तरीके से सोसाइटी को बदलने के नए नए तरीके और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए जो न्यूज़पेपर लिख रहे थे उनको रोकने के लिए यहां पर ये पास किया गया था। तो गाइज यहां पर बता दे यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, स्लेव डायनेस्टी, डायनेस्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहां पर जो रहने वाला है 74 का, तो गाइज ये है 1878 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो गाइज फटाफट इसका भी आंसर कर दे। आप बता दें विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, पहला बंगाली न्यूज़पेपर इनमें से कौन सा था, क्या उसका नाम समाचार दर्पण था, संवाद कौमुदी था, संवाद प्रभाकर था, या बंगाल गैजेट था गाइज, ठीक है। तो बता दें यहां पर राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। बाकी सेशन को लाइक करते चलो दोस्तों, क्योंकि कल से अब आपके लिए आपके स्केड्यूल में लिटिल बिट चेंज लाया जाएगा। काफी हम टाइम से इंडियन हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया, आई होप सो कि बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बहुत सारी चीजें पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर आपने कंफ्यूज मतलब आप हो चुके हो कि आपको पॉलिटी के एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो आई विश कि पॉलिटी के एमसीक्यूज भी आपको मिलना स्टार्ट कर जाए, बस आप लोग सपोर्ट करें यहां पर क्या रहने वाला है। तो गाइज यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका नाम है बंगाल गैजेट एंड हिक्की के द्वारा इसको लिखा जाता था, हिक्की के द्वारा, याद रखेगा इट्स हिक्की, एच फॉर हिक्की, तो हिक्की के द्वारा जो है यहां पर इसको लिखा जाता था, एंड साल था 1816 से लेकर 1818 के बीच में इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर, एंड आई होप सो के आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो पता हो कि कहां से एक्सेस करनी है। बाकी गाइस जल्दी से जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर जाकर इसको अब भी जो है इसका प्रिंटआउट या जो भी आपके फोन वगैरह जैसे भी आपको दिखता है एक बार फिर से इसको अच्छे से रीड आउट करो, सो दैट आपको ये ना लगे कि आपकी कुछ चीजें जो है वो रह चुकी हैं। क्विक रिवीजन इसको कहते हैं, अभी के अभी जो है जाकर देखिए, मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर ये अपलोड कर दिया है, सो टेलीग्राम पर जाकर इसको देख लो वहां पर जाके। सर आप इकॉनमी के भी नहीं दे रहे हो एमसीक्यूज, हम आपके भरोसे बैठे हैं। अरे भाई साहब हमारे भरोसे, ये तो आपने बड़ी बात कर दी, तो ये तो इससे हमको भी मतलब तकलीफ होगी अब, बट चले कोशिश करेंगे कि कल से आप लोगों के लिए पॉलिटी में तो कल स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा कल, क्योंकि अब मैं हिस्ट्री वगैरह को स्टॉप कर रहा हूँ। हिस्ट्री के आपने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं, और अगर आप इतना भी करके जाओगे ना, जितना मटेरियल आपको मिला है अगर आप इतना भी करके जाओगे इट इज मोर देन अफ, ठीक है सर। आप कुछ ही दिन रहे हैं एग्जाम के को पॉलिटी से शिफ्ट करवाओ प्लीज, ओके आई होप कि आप जो है पॉलिटी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ओनाम सिंह दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर, जेके एग्जाम क्रैकर इज देयर ऑन टेलीग्राम, ये टेलीग्राम पर आप जाकर सर्च कर सकते हो, एंड द अदर वन इज अनदर इज एट द रेट ठाकुर अंडरस्कोर 93। जाओ इन चैनल्स को सब्सक्राइब करो और आराम से पीडीएफ लेकर इसको करते रहो, ठीक है सर प्लीज पॉलिटी, ओके ओके ओके। सेट 1 to 9 पीडीएफ राजा शेख, आपको बता दिया गया ना कि यहां पर जाओ तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएंगी यार, थैंक यू सो मच सर। अब करंट अफेयर्स पे भी ले आना जी सर प्लीज, पॉलिटी और इकोनॉमी, ओके हिस्ट्री इज इनफ नाउ प्लीज पॉलिटी, ओके सर रियासी आओ, रियासी भी आएंगे यार डेफिनेटली आएंगे, बट पेपर के हो जाए आप सबका। हाउ आर यू माई डियर सर आजाद अली अहमद, आई एम एब्सोल्युटली फाइन अली, एंड आई विश कि आप भी अपने घर पे ठीक होंगे, आपके घर पे सब लोग ठीक होंगे। ठाकुर अंडरस्कोर 93 सिद्धू मूसे वाला, बिल्कुल थैंक यू सो मच। स्पेस एंड सैटेलाइट्स पे भी ले आना, अरे यार रजत शर्मा स्पेस एंड सैटेलाइट्स पूरी ज्योग्राफी आपको डिस्कस करवा दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बंगाल गैजेट बाय एनी बेसेंट, कौन लिख रहा है, रुबिया बेगम, एनी बेसेंट नहीं, रंपा मूमेंट, चले चंपा मूमेंट भी कोई है यहाँ पर। हाउ आर यू माई डियर सर, अच्छा
तो चले गाइस, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। शाम के आपके लिए एक और क्लास रहने वाली है, आज लास्ट क्लास, दैट इज वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की। थोड़ी तबीयत भी नासाज है, बट आई विश के कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो दिस रेगुलर क्लास सर, ओनम सिंह, जाकर प्लेलिस्ट देखो, हम लोग एक महीने से रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं जेके पीएसआई के लिए। बट यू आज का आपका नाम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे को आधे से ज्यादा नाम यहाँ पर याद हो चुके हैं। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सर, आई एम योर स्टूडेंट लास्ट वन ईयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पुलवामा, थैंक यू सो मच आजाद, एंड आई विश के आपका एग्जाम इस बार निकल जाए। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर रमीज राजा, बंगाल गैजेट, चले। सो थैंक यू सो मच, क्लास टाइमिंग रहती है रोज 2 बजे और शाम को 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ओनम सिंह, और आपको पता चल जाएगा रोज क्लास कितने बजे होती है। आपको नोटिफिकेशन का टाइटल वहां पर आ जाता है, आपको नोटिफाई कर देना है, उसको नोटिफाई हो जाओगे आप जब भी क्लास होगी, ठीक है। तो चले, एंड कर रहे हैं क्लास का, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, एंड अपने आस पड़ोस का ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।